नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर भास्कर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक अपडेट लेकर आई हूँ जो कि एक जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट है। और इस वीडियो में मैं आपको SBI में जो जॉब निकली है, क्लर्क की जॉब निकली है, उस बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। सो वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारे जितने भी नए नोटिफिकेशंस हैं, जितनी भी नई वीडियोस हैं, जैसे हम मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, फॉलोशिप, कंटेंट, एजुकेशनल अपडेट्स ज़्यादा इस वीडियोज़ में अपलोड करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। सो दोस्तों आपका अधिक समय न लेते हुए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। दोस्तों हम बात कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो जॉब निकली है, जो वैकेंसी निकाली गई है वो क्लर्क के लिए निकाली गई है। उस वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे थे, उसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। दोस्तों देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लरिकल कैडर में जूनियर एसोसिएट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसमें नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुल इसमें 8,283 वैकेंसी निकाली गई है। रिक्त पदों में 3,515 अनारक्षित हैं, 1,284 SC, 748 ST, 1,919 OBC और 817 EWS वर्ग के लिए आरक्षित है। यानी कि जितने भी काउंट्स दिए गए हैं इसमें टोटल काउंट्स से 8,283 के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू कर दी गई है। इसमें यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो sbi.cov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उस नोटिफिकेशन के अनुसार क्लर्क Tier 1 एग्ज़ाम जनवरी 2024 में, मेन एग्ज़ाम फरवरी 2024 में होगी। अब इसमें कहाँ कितनी वैकेंसियाँ निकली है वो बता देती हूँ। नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवार केवल एक राज्य के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि किसी भी राज्य के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ की आपको स्थानीय भाषा यानी कि उसे पढ़ना लिखना समझना अच्छे से आना चाहिए। इसमें टोटल काउंट्स दिए गए हैं, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग काउंट्स दिए गए हैं, कितनी वैकेंसियाँ उस राज्य के लिए निकाली गई हैं यह आपको पूरी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से दे दी जाएगी। इसमें योग्यता आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित कर लें कि डिग्री 31 दिसंबर 2023 या उससे पहले प्राप्त कर ली गई हो। इसमें आयु सीमा आपको 20 वर्ष से 28 वर्ष तक की रहेगी। उम्मीदवारों का जन्म 2 अप्रैल 1995 से पहले और 1 अप्रैल 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। आयु की गणना 1 अप्रैल 2023 से की जाएगी। SC ST वर्ग को आयु में 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट दे दी जाएगी। इसमें आपको सैलरी 17,900 रुपये से लेकर 47,920 रुपये तक रहेगी। साथ ही इसमें जो बेसिक पेमेंट दिया जाएगा वो होगा 19,900 रुपये। इसमें आपको चयन प्रक्रिया सबसे पहले ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। इसमें पास उम्मीदवारों को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार को स्थानीय भाषा के टेस्ट से गुजरना होगा। यानी कि जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी राज्य के लिए, उस भाषा का आपको नॉलेज होना पूरा ज़रूरी है। उसका भी एक टेस्ट उन लोगों के द्वारा लिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न, यह परीक्षा 1 घंटे की होगी जिसमें अंग्रेजी भाषा संख्यात्मक योग्यता और तार्किक क्षमता से संबंधित कुल 100 ऑब्जेक्ट प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 100 अंक निर्धारित होंगे। इंग्लिश सेक्शन के लिए 30 अंक और न्यूमेरिकल और रीजनिंग के लिए 35-35 अंक निर्धारित होंगे। पूरी परीक्षा के लिए 1 घंटा और एक सेक्शन के सवाल करीब 20 मिनट में अभ्यर्थी को हल करना होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट दिया जाएगा। इसमें आवेदन करेंगे तो इसमें फीस आपको सामान्य EWS OBC के लिए 750 रुपये रहेगी। SC ST दिव्यांग यानी कि जो लोग विकलांग हैं उनके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसमें नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, ये आप देख ही रहे हैं कि ये पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल आपको दी गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरे काउंट से कि कहाँ पर कितनी भर्ती निकाली गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो एज लिमिट की छूट भी दी गई है, SC ST को 5 साल, OBC 3 साल, PWBD के लिए 10 साल, PWBD जो SC ST में आते हैं उन्हें लिए 15 साल, PWBD OBC के लिए 13 साल की छूट दी गई है। इसमें जो पेपर का जो ड्यूरेशन होगा वो भी आपको दिया गया है, यानी कि 1 घंटे की टोटल पूरी परीक्षा होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था 100 अंकों का आपका पेपर होगा। यहाँ पर आपको पूरे स्टेट दे दिए गए हैं,
कि किस किस स्टेट के लिए यह जॉब निकाली गई है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इसके आवेदन की प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पहले तो 7 दिसंबर थी, परंतु अब ये बढ़कर 12 दिसंबर 2023 कर दी गई है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। इसमें आपकी जो पहली एग्ज़ाम होगी वो होगी जनवरी 2024 में, और 2024 फरवरी में सेकेंड एग्ज़ाम होगी, और इसका एडमिट कार्ड आप 27 दिसंबर 2023 से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है वो बता देती हूँ। जैसा कि सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन देख ही चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत आपको जो फोटोग्राफ इमेज भी अपलोड करने होंगे जब आप अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर आपको डायमेंशन भी दिए गए हैं कि किस डायमेंशन में आपको पिक्स अपलोड करना है। इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे पूरे नोटिफिकेशन में एंड में, और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इस नोटिफिकेशन की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के एंड में आप देखेंगे यहां पर एक लिंक दी गई है हाउ टू अप्लाई के लिए। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ये पेज पे आप जैसे ही जाएंगे तो जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा रहा है अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 22 नवंबर 2023। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यदि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन आईडी डाल दीजिएगा, पासवर्ड डालिएगा और ये कैप्चा कोड फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते से ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें आपको पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी देनी होगी। यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना होगा, आपको अपना फर्स्ट नेम कन्फर्म करना होगा। मिडिल नेम डाल दीजिएगा, इसमें मिडिल नेम आप कन्फर्म कीजिएगा। लास्ट नेम डालकर कन्फर्म लास्ट नेम कर दीजिएगा। इसके बाद आपका फुल नेम डाल दीजिएगा। इसमें आगे चलते हैं, इसमें आपको मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, कंफर्म मोबाइल नंबर कीजिएगा। इसके बाद यदि आप कोई अल्टरनेटिव नंबर यूज़ करते हैं तो वो नंबर भी आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद आपसे ईमेल आईडी पूछी जाएगी, तो ईमेल आईडी के स्टार्टिंग का आप बदल दीजिएगा। इसके बाद जो डोमेन नेम आएगा वो, जैसे कि मेरा डोमेन नेम जीमेल में यूज़ करती हूँ तो यहाँ पर मैं जीमेल डाल दूंगी। इसके बाद कन्फर्म आईडी, इसमें आप पूरा मेल आईडी डाल दीजिएगा। कैप्चा कोड फिल कर लीजिएगा। कैप्चा कोड फिल करने के बाद 7 नेक्स्ट कीजिएगा। 7 नेक्स्ट जैसे ही करते हैं तो आपको फोटो सिग्नेचर मांगे जाएंगे, जिसमें आपको फोटो सिग्नेचर अपने देने होंगे। मैंने आपको डायमेंशन बता चुकी हूँ, जो कि आपको नोटिफिकेशन में डायमेंशन आप देखना चाहते हैं तो एक बार आप पता कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, वहाँ डिटेल फिल कर दीजिएगा। अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख लीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। अंत में आप पेमेंट कर दीजिएगा। इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपको हमारे द्वारा बताया गया है कि 27 दिसंबर 2023 तक आप इसके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। सो दोस्तों, आपको हमारे यह आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।